नॉनस्टॉप 100 के बाद बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में संसद भंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। और बड़ी बात आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आज यहां पर कोई फैसला संभव हो जाए, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेशनल असेंबली को भंग करने पर फिलहाल सुनवाई हो रही है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का यह कहना है कि संसद भंग पर आज फैसला होगा, यानी कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। हम पर फैसले में देरी का जो आरोप लग रहा है वो गलत है, हम तमाम पहलुओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद कोई बड़ा कड़ा फैसला लेंगे। डेढ़ घंटे से आपको बता दें चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, 3 दिन से लगातार ये सुनवाई जारी है।